हम आपको बताएंगे तटस्थता मानचित्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो तटस्थता मानचित्र या उदासीनता मानचित्र, तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। यानी कि ये क्या तरह है, एक तरीके से ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इस पर ये कुछ इस तरह से क्या बनी हुई है, इस तरह से कुछ वक्र बनी हुई है, मतलब रेखाएं, तटस्थता कहते हैं हम इनको, ठीक है। देखिए इसकी परिभाषा, जब एक मानचित्र के ऊपर, मतलब कि हमने इस तरह से हमारा वो बन रहा था, ठीक है। तो जब एक मानचित्र के ऊपर, ये हमारा कोई है, के ऊपर से अधिक तटस्थता वक्र उपस्थित हूँ, यानी कि जब एक मानचित्र के ऊपर, जैसे कि हमने आपको भी दिखाया, एक मानचित्र के ऊपर दूसरा, यानी कि एक वक्र रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, दूसरी के तीसरी, इस तरह से जब एक मानचित्र के ऊपर एक से अधिक तटस्थता वक्र उपस्थित हो, तब यह तटस्थता मानचित्र कहलाता है। अलग अलग तटस्थता वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तरों को दर्शाती हैं। जो तटस्थता वक्र मूल बिंदु से जितनी अधिक दूर होगी वह उतनी अधिक संतुष्ट होगी, यानी कि जो जितनी दूर होती है इससे मूल बिंदु से, वो उतनी संतुष्ट होती है हमारी, ठीक है। कौन सी है, चलिए बताइए, इनमें सबसे संतुष्ट जो हमारी तटस्थता वक्र है वो कौन सी है, वो हमारी ये वाली है IC4, ये वाली सबसे संतुष्ट है, क्योंकि ये हमारे मूल बिंदु, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, इससे हमारी ये बहुत दूर है, तो इसीलिए सबसे संतुष्ट है IC4। इससे कम ये, और इससे कम और ये, और ये सबसे कम, यानी कि संतुष्ट नहीं है क्योंकि इसके सबसे पास है। तो जो जितनी दूर होगा मूल बिंदु से जो वक्र तटस्थता रेखा, वो उतनी क्या होगी, हमारी संतुष्ट होगी। आशा करते हैं आपको तटस्थता मानचित्र समझ आया होगा।